अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं आपके लिए क्रैश कोर्स बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से DSSB और टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले होने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल करेंगे। बस आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप मेरे पेज पर आ सकते हो, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको वहाँ पर क्रैश कोर्स जो बना रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोर्स को क्रैश करने में बिल्कुल वो मदद करेगा। ओके, जैसे आपने मुझे यहाँ पर यूट्यूब पर सपोर्ट करा, आप वहाँ पर भी मुझे अनअकैडमी पर जाकर सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ पेडागोजी को, जो हम NCF 2005 के बारे में बात कर रहे थे, जिसके मैंने आपको 9 क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज बात करेंगे 10वें क्वेश्चन से। अगर आपने 9 क्वेश्चंस तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि NCF में जोन जोन सी बातें बोली गई है मैं आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, सारे टॉपिक्स बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर और एकदम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के पैडागोजी का NCF 2005 के बारे में जो पढ़ रहे थे उसके बारे में, जिसके मैंने आपको 9 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। ओके, ये मैं आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि NCF में काफी सारी बातें लिखी गई हैं, तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंट आउट करवा रखे हैं, उसी को आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, जिसके 9 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, बिल्कुल इब्लरेट करके बता रहा हूँ, विस्तारित रूप से बता रहा हूँ। अगर आपने 9 वीडियो तक नहीं देखी, यानी कि 9 क्वेश्चंस तक वीडियो नहीं देखी है, तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करेंगे हम 10 क्वेश्चन से, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो DK गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस को गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो 10th क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, गणित शिक्षा के संबंध में NCF 2005 किन बातों पर बल देता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर साफ बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोनों, क्यों, क्योंकि देखिए गणित शिक्षा के संबंध में NCF ने किन किन बातों पर बल दिया है, पढ़ लेते हैं। देखिए NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में गणितज्ञ की क्षमता का विकास करना है। मूलतः इनका इसका अर्थ है कि बच्चा किसी भी स्थिति के बारे में गणित की भाषा में विचार करना सीखे, ताकि गणित के साधनों और तकनीकों का उपयोग किया जा सके। इसमें विशेष का चित्र बनाना, निपुण चारों का चुनाव, समीकरण असमीकरण बनाना और तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है। देखिए कहने का तात्पर्य उसका ये है कि अब जो हमारा NCF 2005 है उसके अनुसार जो शिक्षा दी जाती है गणित की, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, बच्चों के अंदर गणितीकरण का क्षमताओं का विकास करना। मतलब आजकल देख रहे हो आप कई बच्चे गणित से दूर भागते हैं, तो दूर भागने का कहने का तात्पर्य वो है, हल्की सी थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तभी तो आपको उसको सॉल्व कर पाओगे। तो NCF 2005 यही करता है, उसकी क्षमताओं का विकास करता है। मूलतः इसका अर्थ है कि बच्चे किसी भी स्थिति में अपनी गणित की जो भाषा होती है, अपने विचार होते हैं, जो उसके सीखने की तकनीक होती है, शिक्षण के जो गणित में कैसे सीख सकता है बच्चा, उन सभी तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसके रिगार्डिंग। और विशेषकर जैसे कि चित्र बनाना, चारों को चुनाव, समीकरण या असमीकरण के बारे में बच्चों के साथ विचार करना, तर्क वितर्क आधार पर निष्कर्ष निकालना, उन्हें सॉल्व करने के लिए देना, उन्हें उदाहरण बताना, उनको ऐसे कुछ करना कि वो इजी वे से उस चीज को सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखिए, एक आयतकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है और इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। इसकी स्थिति को गणित की भाषा में 2x(x=400) लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, जहां x एक चार है और जो खेत की चौड़ाई निपुणता करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर देखो, सिंपल वे में कराने की बोल रहा हूँ, क्योंकि डबल बोल रखे उसने, इसलिए 2x कर दिया (=x), क्योंकि हमें पता नहीं है और (=) 400 क्या है उसका क्षेत्रफल, तो वो सारी चीज आपकी इसमें निकल जाएगी। उदाहरण के रूप में आप ऐसे बच्चों को समझा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, और क्वेश्चन नंबर, गणित के संकुचित एवं उच्चतर लक्ष्यों का क्या अर्थ है, गणित के लक्ष्यों में यह अंतर क्यों किया जाता है। तो उत्तर एक बार पढ़ते हैं, देखिए गणित के संकुचित लक्ष्य, कहने का तात्पर्य क्या है इसका, कि ये न्यूनतम गणितीय साक्षरता निर्दिष्ट करते हैं, ताकि एक व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ ही अपने दैनिक जीवन के कार्य अथवा व्यवसाय को सफलतापूर्वक कर सके। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि गणित जो आपका है वो नॉर्मल वे में कम से कम बच्चों को सिखाना, कि जो
जोड़ गुना भाग लगाते हो, जैसे कोई व्यापार खोल रखा है, ऐसे परचून की दुकान लगा लो, तो परचून की दुकान जब आप खोलते हो तो उसमें भी गणित का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए दिया, आपने सामान उसे 15 रुपए का दिया, तो बाकी उसको वापस भी देने होते हैं, तो घटा जोड़ उसको करना होता है ताकि वह अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक कर सके। ओके, इसका यह अर्थ है कि संख्या, संख्या ऊपर संख्यिक क्रिया, मापन, प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग, अनुपात और समानुपात इत्यादि की जैसे अवधारणाओं पर संपूर्ण प्रभुता प्राप्त करना। तो वही बात, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि दुकान पे जाओगे आप, उसको 100 रुपये दोगे, 100 रुपये दुकान वाला सामान देगा, उसके बाद में कैसे वो प्रतिशत निकालेगा, कितने का क्या सामान है, कितने का क्या सामान है, उसको वापस करना पड़ेगा, तो इस सारी चीजों पर उसको निपुण बनाना। ओके, आगे हैं, देखिए, गणित के उच्चतर लक्ष्य। इसका अर्थ है कि निहित सार्थक के अनुसार छात्रों के में उसके उनके बौद्धिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर तथा क्षेत्र उपलब्ध करवाए ना, इसके लिए आवश्यक है कि उनमें विचारों की स्पष्टता हो तथा सत्य माने हुए कथनों को तांत्रिक निष्कर्ष यानी कि तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचना तथा अमूर्तनों को संभालने की क्षमता। कहने का तात्पर्य यहाँ पर देखो ये है कि बच्चा जो भी उसका अनुसार जो सीख रहा है, जो उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, जो कि जैसे कि आपने अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि 100 रुपये देकर आप उससे क्या ले सकते हो, सामान लोगे और बाकी जो सामान वो पैसे बचेगा वो आपको रिटर्न करेगा, तो वहां पर वो तार्किक करता है अपने मन में, यानी कि सोचता है, विचार करता है कि वो कैसे करेगा और कितने पैसे उसको रिटर्न करने, तो अमूर्तन रूप में उसको संभालने की क्षमता विकसित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को लिख लिख के तो नहीं करेगा, क्योंकि परचून की दुकान है, कितने व्यक्ति आएंगे, कितने व्यक्ति जाएंगे, बस अगर लिखता ही रहा तो ग्राहक उसके चलते बनेंगे, जब तक वो सोचेंगे इसको पता नहीं लिखने में इतना कर रहा है तो आगे जाके क्या कितनी देर लगाएगा, इसलिए वो चलते बनेंगे, इसलिए उसको क्या करना होता है, अमूर्त रूप में उस चीज को संभालने की क्षमता विकसित करनी होती है। नेक्स्ट क्या देखिए, अंतर मूलतः अंकों से जुड़ी निपुणताओं में है, जैसे कि अंक गणित क्रियाओं को करने की योग्यता, प्रतिशत, क्षेत्रफल, आयतन आदि ज्ञात करने की योग्यता, बहुपदी व्यंजनों के गुणन खंडों करने की योग्यता आदि, एक और दूसरी और अमूर्त अवधारणाओं को निपटने के लिए आवश्यक गणित, पहले प्रकार के गणितों की आवश्यकताओं व्यक्तियों के दैनिक जीवन के कार्यों व्यवहार एवं सामाजिक दायित्व को सजग निवारण करने के लिए होती है। तो कहने का तात्पर्य देखो यहाँ पर यही है कि पहले उसको नॉर्मल चीजें सुनाई जाती है, जैसे कि अंकगणित, सांख्यिक गणित, यानी कि लिखने वाली योग्यता, ऐसे मूर्त रूप से पहले उसको सिखाना है, फिर धीरे धीरे उसको कहाँ ले जाना, अमूर्त की तरफ। ओके, तो यहाँ पर उसने देखो साफ बोल रखा है, और दूसरी उसे अमूर्त अवधारणाओं से निपटने के लिए भी आवश्यक गणित, तो उसके लिए यही है कि पहले आप नॉर्मल वे में उसको मूर्त रूप से सिखाओ और धीरे धीरे उसको डाइवर्ट करते जाओ अपने अमूर्त रूप में। क्यों? क्योंकि देखिए रोजमर्रा के डे बाय डे जो आपकी आवश्यकताएं होती है, जो आपने कोई व्यवसाय खोल रखा होता है, तो उस प्रकार के दैनिक जीवन में ये प्रकार की गणितों का बहुत महत्व हो जाता है, इसलिए हमें मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चों को सिखाना चाहिए। ओके, लेकिन दूसरे प्रकार के गणित के आधुनिक संश्लेषण प्रौद्योगिकी जगत से संबंध रखने में बहुत महत्व है। तो वही कहने का तात्पर्य देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया आपके लिए, डे बाय डे, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। ओके, और दूसरे प्रकार से गणित आधुनिक संश्लेषण की पद्धति भी यही जागृत करता है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक रूप से ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th में क्या बोल रखा है, आपकी दृष्टि से हमारे शिक्षा में गणित के उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। आपकी दृष्टि से, यानी कि आप एक शिक्षक हो, अगर बच्चा आपसे पूछा जाए, यानी कि कोई आपसे पूछ रहा है, तो कि आपकी दृष्टि में हमारी जो शिक्षा में गणित की उच्चतर लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें देखिए बच्चों के तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन क्षमता विकसित करने करके उसमें समस्याओं के समाधान के प्रति आत्मविश्वास की प्रवृत्ति परिपोषित करना और यह निर्धारित करने का समर्थक बनाना बनाकर कि किसी या किस संदर्भ में कौन से गणित साधन उपयुक्त है और तदानुरूप उसका उपयोग सीख कर यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है, बच्चों का जो भी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन है, उसकी क्षमता होती है, पहले आप उसको समझना है कि बच्चा कहाँ तक कैसे विस्तारित कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है, फिर धीरे धीरे उसका चिंतन क्षमता का विकास करना है उसी वे में जिस वे में वो बच्चा सीख रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा लिख कर सीखता है, कोई ओरली सीख जाता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समझाने पर एक ही बार में समझ जाते हैं, लेकिन कई बार हमें कई लोगों को बार बार समझाना होता है, तो बच्चा जिस रूप में सीख रहा हो बच्चे को उसी प्रकार से सिखाना चाहिए, ऐसे नहीं कि डांट फटकार के काम करवा दो। ओके, तो वैसा आपको उसको
बसाना है, उसका आत्मविश्वास उसमें जागृत करना है और धीरे धीरे उसी को उस राइट वे में आगे ले जाना है। जैसे कि आपके क्लास में तीन टाइप के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, एवरेज, लो एवरेज और हाई। तो उसमें आपको क्या करना, हाई वालों को थोड़ा और विस्तारित करना है, लो एवरेज को एवरेज तक ले जाना है और एवरेज वालों को हाई तक ले जाना है। तो वो आपके अनुसार है, ओके। और वो चाहे कैसे भी हो, किसी भी गणितीय साधन का उपयोग करके आपको करना पड़े, आपको करना चाहिए, लेकिन बच्चों के अनुसार, बच्चों के रुचि अनुसार, ओके। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट्स को। तो यही 12 क्वेश्चन थे आज के इंपॉर्टेंट आपसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं आपको लाता रहता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।